का रटा डटाद डायलॉग है कि विधि संबद्ध कार्रवाई होगी एफ लॉन्च होगा जेल भेजेंगे करेक्टर खराब कर देंगे नौकरी नहीं मिलेगी तो ये इस तरह से धमकी नहीं दी जाती है लोकतंत्र में 2014 की वैकेंसी 2021 तक लटकी है क्यों 2014 की वैकेंसी 2021 तक लटकी है क्यों आज पूछ रहे हैं युवा सभी बताओ ये सरकार बी धमकी देती प्रदर्शन ना करे युवा बेरोजगार नहीं तो हम उन्हें कर देंगे आजीवन बेरोजगार आखिर इस अत्याचार पर चुप क्यों है सरकार अगर विपक्ष का नेता ये कह दे कि इतना समय तक बहाली हो जानी चाहिए अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे और दिखा भी दे कि हम उतर रियली में उतरेंगे देखिए बहाली पूरी हो जाएंगे लेकिन कोई नेता ऐसा कर नहीं रहा है ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो भी नेता अगर आते भी हैं तो वो सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं अगर दिल से वो साथ हो जाएंगे तो जरूर हो जाएगा कि शायद कोई नेता बड़ा आए हैं पोलिटिकल पार्टी वाले तो इस इसपे सरकार या आयोग जल्द एक्शन ले लेगी हमारी मांग पूरी हो जाएगी कुछ भी इस तरह का नारा किसी भी नेता के लिए नहीं लगाना आपको नारा लगाना है तो लगाइए भारत माता की जय वंदे मातरम लगाइए नारा अगर आप जो बात मीडिया के सामने कहते हैं खुलेआम और चौबीस घंटा में भी वो बात से पलट जाते हैं नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप मेरा नाम उदीप तारेन है कल तेईस सितम्बर था और बिहार एसएससी के जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए थे गर्दनी बाग धरना स्थल सारी खबरें आपको द इंडिया टॉप लगातार दिखा रहा था हम लाइव भी थे वहां से मजिस्ट्रेट से पंगा हुआ उसके बाद नेता आए वहां पर चिराग पासवान पहुँचते हैं जमीन पर बैठ जाते हैं और संदीप सौरभ पहुंचते हैं पालीगंज विधायक ऋतु जायसवाल राजद से आती हैं और सभी जो छात्र हैं जो अभ्यर्थी हैं वो दिलीप के नेतृत्व में वहां पर लगातार ये मांग कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इस एग्जाम को खत्म किया जाए आदेश पुरी की बात करें आज थोड़ा तबीयत उनका नासाज था तो वो घर जल चले गए ऑफिस से और उनका कॉल आता है कि उदित्त इस पर फॉलो अप लेना चाहिए कि आखिरकार जो नेता पहुंचे हुए थे वहां पर चिराग पासवान को आपने देखा होगा कि जमीन पर बैठ गए थे नारे लगा रहे थे कह रहे थे कि अगर जेल ले जाना है तो मुझे ले चला जाए तो क्या उसका कंक्लूजन निकला क्या आयोग पहुँचते हैं वो तमाम नेता या फिर सिर्फ मीडिया के लाइमलाइट में छात्रों की सहानुभूति लेने पहुँचे थे साथ ही साथ एक ज्ञापन है मेरे हाथ में जो राज्यपाल को दिया गया है दिलीप के द्वारा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसमें तमाम तरह के जो बातें हैं बीएसएससी ,से, से जुड़े वो लिखे हुए हैं और ये मुख्यमंत्री को भी दिया गया है ना दिलीप मुख्यमंत्री को भी दिया गया है ये दोनों ज्ञापन आप देख रहे हैं तो चलिए हम अब बात करते हैं दिलीप से क्या हुआ दिलीप कल आयोग जाने की बात चिराग पासवान संदीप सौरभ सभी लोग कर रहे थे गए आयोग वो लोग देखिए अगर गए रहती तो खबर तो चल जाती निश्चित रूप से जब आंदोलन में आना था उन लोगों को तो फ़ोन किया गया आंदोलन के समय ही मुझे कि हम आना चाहते हैं हम कहे ठीक है आइए हर किसी का वेलकम है लेकिन अगर कल बोले थे दोनों आदमी कि हम जाके वहाँ बात करेंगे इस मुद्दे पे तो अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई कॉल नहीं आया है कि हम लोग आज गए थे या जा रहे हैं या कि किसी भी मीडिया में ये खबर नहीं चली है कि ये लोग गए हैं आयोग तो इन लोग को तो अपनी बातों पर खड़े उतरना चाहिए और जाना चाहिए था लेकिन अभी तक तो मुझे कोई खबर नहीं मिली है कि ये लोग गए हैं आयोग तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए लोग आए थे आप कह सकते हैं यही समझा जाएगा और क्या समझा जाएगा अगर आप जो बात मीडिया के सामने कहते हैं खुलेआम और 24 घंटा में भी वो बात से पलट जाते हैं 24 घंटा में तो फिर क्या माना जाएगा आप बोले कि हम कल जाके बात करेंगे कोई बोले कि आज ही जाते हैं बात करते हैं लेकिन अभी तक तो आप नहीं गए 24 घंटा पार हो चुका है अब तो अब क्या समझा जाए अच्छा कल जब हम पूरा खबर करके वापस लौट रहे थे दिलीप तो अच्छी खासी संख्या थी छात्रों की अभ्यर्थियों की जिसको आप संबोधन कर रहे हैं तो उसमें आप बोले कि एक बात से मैं नाराज हूँ कि नेता का जय जयकार क्यों लगाया गया देखिए हमने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया था सभी से आग्रह किया था छात्रों से और सर्वसम्मति से जो आंदोलन के लिए एक टीम बना है उसकी सहमति से ऐसा हुआ था कि चूंकि अगर नेता कोई आ रहे हैं तो मान लीजिए वहाँ पे सत्ता पक्ष के भी नेता आ सकते हैं विपक्षी दल के भी आ सकते हैं हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ विपक्षी दल के ही आवे हम लोगों ने सबों से आग्रह किया था मीडिया बंधुओं से शिक्षक गणों से बुद्धिजीवियों से सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से मंत्री विधायकों सबसे हमने अपील की थी कि छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है किसी पार्टी का तो सभी लोग समर्थन कीजिए तो जिनको इच्छा हुई आए तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाने से हमने मना किया था कि कोई भी नेता आए ये पॉलिटिकल पार्टी का रैली या धरना नहीं है ये परीक्षार्थियों का धरना है परीक्षार्थियों का महा आंदोलन है तो इसमें अगर कोई नेता आते हैं तो आप उनका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उनके जो विपक्ष के नेता होंगे जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टी के नेता है तो उनको ऐसा फील होगा कि भाई ये लोग उसके समर्थक हैं फिर किसी और पार्टी के नेता आएंगे उनका आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते मुर्दाबाद तो नहीं कीजिएगा जिंदाबाद तो फिर दूसरे दल के नेता को लगेगा कि ये लोग उसका समर्थक है और सरकार को कहीं ना कहीं ये लगेगा और आयोग को कि ये जो आंदोलन है वो किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित किया गया है ये छात्र आंदोलन नहीं है परीक्षार्थियों का आंदोलन नहीं है और इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद या कुछ भी इस तरह का नारा किसी भी नेता के लिए नहीं लगाना आपको नारा लगाना है तो लगाइए भारत माता की जय वंदे मातरम लगाइए नारा लगाइए आप बी एस एस सी हाई आई लगा सकते हैं आप सरकार के खिलाफ नारा लगाइए चूंकि सरकार से हम लोग का डिमांड है कि पूरा करें तो इसलिए हम लोग लगा था लेकिन होता क्या है आप कोई नेता आता है तो उसके साथ चार गो पाँच गो उसके अपने कार्यकर्ता लोग रहते हैं तो वही लोग बीच में नारा लगा दिए तो उसके पीछे दो चार छात्र नारा लगा ही देते हैं जोश में आके तो ये सब होते रहता है जोश में कहिए या फिर दिलीप जो हमने लगातार हम कवर कर रहे हैं आदेश पुरी के साथ इस स्टोरी को इस पूरे मूवमेंट को छात्र हतोत्साहित हैं उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो ये भी तो हो सकता है कि कोई नेता अगर बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता सांसद हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग वो आते हैं तो इनको एक किरण उम्मीद उम्मीद यही होता कि अगर कोई नेता आते हैं तो लगता है उम्मीद जगता है कि शायद कोई नेता बड़ा आए हैं पोलिटिकल पार्टी वाले तो इस पर सरकार या आयोग जल्द एक्शन ले लेगी हमारी मांग पूरी हो जाएगी लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो भी नेता अगर आते भी हैं तो वो सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं अगर दिल से वो साथ हो जाएंगे तो जरूर हो जाएगा जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि नेता लोग मीडिया में आके बोल देते हैं कि हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे छात्रों के लिए हम जेल जाने के लिए तैयार है लाठी चलेगा तो पहले हम पे लाठी चलेगा लेकिन वैसा करते कहाँ हैं ज़मीनी स्तर पे अगर ऐसा था तो छात्रों ने कहा सभी को कि आप लोग चलिए हम साथ दीजिए रोज आंदोलन लगातार करते लेकिन कहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतर रही है अगर ऐसा रहता तो सड़क पर उतरना चाहिए था इन पॉलिटिकल पार्टियों को लेकिन कोई भी नेता तो सड़क पर नहीं उतर रहे ये तो परीक्षार्थी इकट्ठा हुए आंदोलन के लिए तो उसमें आ गए तो उससे नहीं ना होगा आप अपने पार्टी की तरफ से भी तो आंदोलन करते अगर आंदोलन नहीं भी कर रहे हैं तो आप पाँच मिनट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते थे ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मीडिया के सामने इन मुद्दों को रखते तो क्या कि बिहार के किसी नेता के पास पाँच मिनट का समय नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस मुद्दे को उठा सके और सरकार से मांग कर सके कि आप जो है इस पर संज्ञान लीजिए और जल्द बहाली पूरी कीजिए तो ऐसा तो कोई नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है तो कल ये भी साबित हो गया मैंने ये बात पहले भी कहा था छात्रों को कि नेता आएंगे तो क्या होगा पहले ही कहा था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलिए आप लोग की इच्छा है तो कोई भी आते हैं नेता हम लोग मना थोड़े किसी को करेंगे आ सकते हैं लोकतंत्र है अब छात्रों को भी लग गया कि ये लोग सिर्फ आ रहे हैं दिखावा करने के लिए और जो होना चाहिए रियलिटी में जमीनी स्तर पर काम वैसा कुछ नहीं कर रहे आप अगर बिहार का कोई भी नेता चल जाए आयोग तो आयोग का हालत ख़राब हो जाएगा और बात करना पड़ेगा और मीडिया में आकर उसको या उस नेता के आगे आके बोलना पड़ेगा सचिव अध्यक्ष को कि हम कब तक हम बहाली पूरी करेंगे अभी हम आपको बोल रहे हैं चैनल के माध्यम से कि अगर विपक्ष का नेता ये कह दे कि इतना समय तक बहाली हो जानी चाहिए अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे और दिखा भी दे कि हम उतर रियली में उतरेंगे देखिए बहाली पूरी हो जाएगी लेकिन कोई नेता ऐसा कर नहीं रहा है अभी आप बताइए इस बहाली के लिए कितना प्रदर्शन हुआ कितना बार धरना प्रदर्शन हुआ आंदोलन हुआ पीटी परीक्षा के लिए पीटी के रिजल्ट के लिए मुख्य परीक्षा कराने के लिए टाइपिंग के लिए फिजिकल के लिए हर स्तर पर तो आंदोलन ही करना पड़ा लेकिन कितनी बार बिहार का कोई नेता सड़क पे उतरा और सड़क पे उतरना तो छोड़ दीजिए मीडिया में आके कितनी बार मांग किया कि बहाली जल्द पूरी होनी चाहिए एक भी नेता नहीं भी बता दीजिए मुझे कोई नेता नहीं नजर आएगा इतना इतना आप बोल रहे हैं कि पीटी के एग्ज़ाम के लिए फिर मेंस के एग्ज़ाम के लिए लगातार धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज मजिस्ट्रेट से गालियाँ आप लोग सुन रहे हैं कुछ मीडिया वाले भी अब आप आपके खिलाफ में आने लगे हैं कुछ निजी कारण होगा जो भी कारण होगा अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब इतना सबसे मामला नहीं सुलझ रहा है पचास बावन हजार छात्रों का अभ्यर्थियों का मामला है ये ज्ञापन क्या करेगा आपको लगता है कि ये कारगर होगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देना देखिए ये एक प्रोसेस है संवैधानिक प्रक्रिया है उस अनुसार हम लोग ये काम कर रहे हैं कि शायद अंतरात्मा जग जाए मुख्यमंत्री जी का हालांकि मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री तक ये लेटर पहुंचता भी होगा मुझे नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री तक ये लेटर पहुंचेगा भी राज्यपाल तक तो पहुंच जाएगा राज्यपाल महोदय तक पहुंच जाएगा लेकिन अब राज्यपाल जी इस पर क्या करते हैं ये देखने वाली बात है चूँकि इससे पहले मैंने बी के लिए एक बार दिया था राज्यपाल महोदय के यहाँ तो उस समय सत्यपाल मलिक जी थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था बात करने के लिए तो आप देखते हैं ये जो अभी राज्यपाल हैं वो क्या करते हैं इस पर लेकिन मुख्यमंत्री जी तक ये लेटर पहुंच जाए यही बहुत बड़ी बात है उनके अधिकारी तो पहुंचने ही नहीं देंगे लेटर लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश किया है कि शायद कहीं पहुंच जाए अरे नहीं कुछ से तो अच्छा है कि कुछ करना चाहिए तो मैंने एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत किया है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए एक लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री अब जनता दरबार लगा रहे हैं क्या दिलीप को जनता दरबार में घुसने नहीं दिया जाएगा वहाँ आप क्यों नहीं जाते हैं अपनी बातों को वहाँ पर जाकर ये चिट्ठी आप साफ रख सकते हैं लेकिन जाएंगे कैसे सवाल ये उठता है कि जाएंगे कैसे उसके लिए प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है जे के एम डी एम ये करके जनता के दरबार में मुख्यमंत्री करके जो जे के डी एम एम करके ऐप है उस पर हमने जुलाई में ही आवेदन दिया था आज तक पेंडिंग दिखा रहा है तो मेरा तो नाम डेट ऑफ बर्थ सब सार्वजनिक है तो हो सकता है इस वजह से मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है लेकिन बहुत सारे छात्रों से भी मैंने करवाया अप्लाई लेकिन जहाँ ये सब मुद्दा आता है किसी को अलाउ ही नहीं किया जाता है वहाँ तो कहीं ना कहीं सरकार ने निर्देश दे रखा होगा अपने अधिकारियों को कि कैसे मुद्दों पे स्टूडेंट्स को या किसी को बुलाना है कैसे मुद्दों पे नहीं बुलाना है और सिर्फ बहवाही लूटना है जनता दरबार के नाम पे तो ये मुख्यमंत्री के जो है सो जनता दरबार नहीं है ये सिर्फ दिखावा है जनता का दरबार नहीं है जनता दरबार नहीं जनता दरबार से मुझे याद आया दिलीप कि मेरी जो आपसे परिचय हुई थी देखिए अभी मुझे याद आ गया साल दो था दिसंबर का महीना था आ, मीडिया का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है पटना में कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं उसमें एक अननोन नंबर से एक मैसेज आता है कि मुझे ट्विटर पर नीतीश कुमार ने ब्लॉक कर दिया याद है आपको जी, जी, जी। और मुझे बड़ा उत्सुकता हुआ कि आखिरकार कौन व्यक्ति है जिसको सी ब्लॉक कर रहे हैं ट्विटर पर मैंने कॉल घुमाया और दिलीप फ़ोन उठाते हैं तो मुख्यमंत्री आपको पहचानते हैं अगर ट्विटर पर ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको यही कारण लगता है कि जनता दरबार में भी परमिशन नहीं दे रहे हैं आगे की क्या रणनीति होगी अगर इस पर भी काम नहीं बन रहा है तो क्या रणनीति होगा आगे देखिए आगे की रणनीति यही है कि सरकार अगर इस पर फैसला नहीं लेती है जल्द बहाली पूरी नहीं करती है हालांकि बी के सचिव ने कल एक पत्रकार को कहा है अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि जो हमने नोटिस जारी किया उस पर अमल करेंगे और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कर मैंने करवाना शुरू कर देंगे तो लेकिन उससे पहले उनको मैं रैंक लिस्ट जारी करना पड़ेगा तभी तो काउंसलिंग करवाएंगे तो अगर ये काउंस रैंक लिस्ट जल्द जारी नहीं करते हैं फर्जी अभ्यर्थियों के बारे में सूचना नहीं देते हैं कि उनको बाहर कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं तो फिर हम लोग आमरणसन पर बैठेंगे अच्छा आमरणसन पर बैठेंगे क्योंकि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया आंदोलन कर लिया अब हमारे पास आमरणसन का ही ऑप्शन है आपने कल देखा ही होगा कि कल जो भी अभ्यर्थी आए थे वो सी सर पर कफन बांध के आए थे और वो भीड़ने वाले थे भीड़ नहीं भीने वाले थे और सर पे कफन बांध के आए थे कल वही लोग आए थे आंदोलन में जो ये फैसला करके आए थे कि अगर लाठी चार्ज होता है तो हम लाठी खा लेंगे भागेंगे नहीं अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे जेल जाएंगे लेकिन वहाँ से भागेंगे नहीं और आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मजिस्ट्रेट को भागना पड़ा था वहाँ से गेट बंद करना गेट बंद कर, करना पड़ा था आखिर क्या वजह था क्योंकि छात्र काफ़ी संख्या में थे और छात्र आक्रोशित थे सात साल का आक्रोश है उनका और सरकार नहीं सुन रही है आयोग नहीं सुन रही है ऊपर से आके धमकी दिया जाता है एम एस खान जो हैं मजिस्ट्रेट बना के उनको भेजा जाता है व्यक्तिगत जिंदगी में वो अच्छे इंसान हैं मुझे ऐसा लगता है उनकी बातों से कभी कभी बात होता है तो लेकिन आप जो सार्वजनिक जीवन में दिखा रहे हैं आके एकदम उनका रटा रटाद डायलॉग है कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी एफ लॉन्च होगा जेल भेजेंगे करेक्टर खराब कर देंगे नौकरी नहीं मिलेगी तो ये इस तरह से धमकी नहीं दी जाती है लोकतंत्र में आखिर इनको कौन पावर दे दिया कि नौकरी नहीं देंगे ऐसा पावर तो मुझे नहीं लगता किसी के पास है कि नौकरी नहीं देंगे तो परीक्षा पास करके ही आए हैं मजिस्ट्रेट बने ये भी तो परीक्षा पास करके आए हैं ऐसा तो नहीं है या फिर हो सकता है कहीं धांधली करके तो आए हैं क्या है? वही बताएंगे इस तरह की बात जो कर रहे हैं हालांकि इनको तो ऊपर से आदेश दिया गया होगा रटा रटाया पांच लाइन का दे दिया होगा रट लिए होंगे कि यही हर जगह बोलना है और छात्र भी अब इस चीज़ को समझ गए हैं अब तो उस पर मीम्स बना बन रहा बन रहा है स्टूडेंट लोग मीम्स बना रहे हैं कि हर आंदोलन में या के पटना में कोई भी आंदोलन हो तो आके यही डायलॉग बोलते हैं तो और मीडिया के सामने भी कल वो बोल दिए हैं कि हमको ऐसा बोलने के लिए कहा गया है ताकि छात्र डर जाए तो छात्रों को डराने के लिए इस तरह से बोलते हैं तो छात्र भी समझ गए हैं कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि डरा दो छात्रों को तो छात्र अगर डरते तो आते ही नहीं आंदोलन में ये छात्र लोग कल आंदोलन में कब आए हैं जब बी बी ने नोटिस जारी किया कि अगर आप धरना प्रदर्शन करते आंदोलन करते हैं तो आपका अभ्यर्थित्व समाप्त कर दिया जाएगा एफ दर्ज होगा जेल भेजा जाएगा उसके बाद भी ये छात्र आए हैं ना आंदोलन में और काफ़ी संख्या में आए हैं तो छात्र डरते नहीं हैं ये लोग जितना डराने की कोशिश करेंगे ना उतना निडर हो रंगे हम लोग तो और को डराने का प्रयास किया जा रहा है आप छात्रों को उत्साहित करना चाह रहे हैं कुछ लिख कर आप लाए हैं देखिए ये कुछ पंक्तियां हैं जो बिहार के छात्र युवाओं के दर्द को दर्शाता है और इसमें झलकता है कि छात्र युवा किस तरह परेशान है कितने मतलब मुसीबत में है और हताश है निराश है कुछ लाइने हैं मैं उसे पढ़ के सुना देता हूँ दो की वैकेंसी 2021 तक लटकी है क्यों 2014 की वैकेंसी 2021 तक लटकी है क्यों आज पूछ रहे हैं युवा सभी बताओ ये सरकार बी धमकी देती प्रदर्शन ना करे युवा बेरोजगार नहीं तो हम उन्हें कर देंगे आजीवन बेरोजगार आखिर इस अत्याचार पर चुप क्यों है सरकार आखिर इस अत्याचार पर चुप क्यों है सरकार तभी तो युवा पूछ रहे हैं क्या तू भी है भागीदार तभी तो युवा पूछ रहे हैं क्या तू भी है भागीदार यानी कि युवा का दर्द झलक रहा है कि हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं मांग कर रहे हैं सारे मीडिया पर यह खबर चल रही है फिर भी सरकार चुप क्यों है इसका मतलब है कि सरकार भी इसमें संलिप्त है और सरकार भी जानबूझ के लेट लतीफी कर रही है और अंदर से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है ये बैकडोर से एंट्री दी जा रही है और पैसों पर सीट बेचा जा रहा है जी तो सरकार तो सरकार वो नेता का क्या जो कल पहुंचे थे ये बेहद अहम मुद्दा है इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूँ वो न, उन नेताओं का क्या जो कल पहुंचे धरना पर बैठे छात्रों की सहानुभूति ले लिए और इस बात का आश्वासन देकर गए कि बहुत जल्द वो आयोग जाएंगे 24 घंटा से ज्यादा बीत चुका है अभी तक आयोग वो नहीं पहुँचे हैं किसी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है ऐसे में अब अंतिम ऑप्शन जो इनके पास बचता है वो आमरण अनशन का है फिलहाल इस खबर में इतना ही इस खबर से जुड़ी हर अपडेट अब तक हम पहुँचा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ ये खबर अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप डॉट कॉम पर आप जा सकते हैं धन्यवाद